नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। बांदा में एनसीसी कैडेट के छात्रों ने ज्ञापन के जरिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी छात्रों को पुलिस और होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाए। छात्रों ने इस ज्ञापन को विधायक के जरिए प्रेषित किया है। तो आपको बता दें कि बांदा से एक खबर आ रही है जहाँ के एनसीसी कैडेट के छात्रों ने ज्ञापन के जरिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी छात्रों को पुलिस और होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाए। और ये ज्ञापन छात्रों ने विधायक के जरिए प्रेषित किया है। 1 लाख से भी अधिक खर्च करती है और वो धन हमारा बह जाता है क्योंकि उस वह धन को सरकार हमसे वसूल नहीं पा रही, क्योंकि सरकार कर रही है पर वो काम नहीं हो पा रही। जिस तरह हमें आर्मी पूरी सबसे थल सेना सबसे बड़ी सेना मानी गई और पुलिस पीएसी और होमगार्ड में हमें आरक्षण प्राथमिकता चाहिए और इस पे हमें 1 लाख का अगर पूरी सरकार कर रही तो उसको पूरा अपना व्यर्थ ना जाने दे, हम ये कह रहे हैं और हमें पूरी तरह से आरक्षण चाहिए। क्या है क्योंकि जिस प्रकार हमें डिफेंस छूट दे रहा है, इंडियन आर्मी हमें छूट दे रहा है, तो ये यूपी पुलिस में हमें छूट चाहिए। इसलिए छूट चाहिए सर, क्योंकि हर प्रति कैडेट के ऊपर गवर्नमेंट इतना व्यय कर रही है, इतना खर्च कर रही है, सर उसका लाभ उठाए ना। कितना खर्च होता है प्रति कैडेट? प्रति कैडेट के ऊपर 1 साल में सर 1 लाख रुपए, यानी 5 साल का कोर्स होता है एनसीसी ए बी और सी, 2 साल का ए, 2 साल का बी और 1 साल का सी, 5 साल में यानी 5 लाख रुपए। किस तरह का छूट चाहिए सर? हमें जिस प्रकार डिफेंस छूट दे रही है, केवल फिजिकल हमारा ले रही है, और उसी प्रकार हमारा रिटर्न माफ है इंडियन आर्मी में, उसी प्रकार हमारा पुलिस में भी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।